लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में प्रत्याशियों पर मंथन शुरू। 2% से कम जीत हार वाली 48 सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारेगी पार्टी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोदी की गारंटी का नैरेटिव सेट कर रही पार्टी जीत पक्की करने के लिहाज से 49 लोकसभा सीटों पर कद्दावर नेताओं को उतारने की योजना बना रही है। जहां पिछली बार जीत हार का अंतर 2% से कम रहा था, पिछले चुनाव में 0.2 से 1.91% तक कुल 48 लोकसभा सीटों पर पार्टी की हार जीत हुई थी। इनमें 10 उत्तर प्रदेश से है जहां भाजपा जीती थी। 48 में से 27 सीटें ऐसी थी जहां प्रत्याशी 1% से कम अंतर से चुनाव जीते थे, जबकि जिन 50 सीटों पर जीत का अंतर 35% से अधिक रहा उनमें 40 से ज्यादा पर भाजपा जीती थी। भाजपा के चुनाव अभियान से जुड़े नेता का कहना है कि ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और बंगाल आदि में इस बार कद्दावर नेताओं को उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार की कुछ सीटों पर भी ऐसा ही प्रयोग होगा। महाराष्ट्र, बिहार में सियासी समीकरण आंकड़ों के लिहाज से कठिन दिख रहे हैं, इसलिए यहां बड़े अंतर से जीत के आधा दर्जन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। 40 सीटों का उलटफेर ला सकता है बड़ा बदलाव। 2019 में भाजपा 303 सीटें जीती थी, 240 सीटें अन्य दल जीते थे। इनमें कुछ एनडीए, कुछ यूपीए की तो कुछ अन्य की थी। लिहाजा 40 सीटों का उलटफेर बड़ा बदलाव ला सकता है। इस लिहाज से 2% से कम मार्जिन वाली 48 सीटें अहम हो जाती हैं। बिहार में नीतीश विरोधी खेमे में चले गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है। हिंदी पट्टी गुजरात में भाजपा कमोबेश अधिकतम सीटों हासिल कर चुकी है। जिन सीटों पर 35% से अधिक वोट प्रतिशत से जीत हुई थी उनमें 42 सीट भाजपा के पास है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग पर मंथन। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर जारी है। पंजाब और दिल्ली की 20 सीटों पर सहमति के करीब पहुंचने के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 168 सीटों का गणित बैठाने पर ध्यान जमाया है। सबसे दिलचस्प दौर यूपी की 80 सीटों को लेकर है। कांग्रेस ने भाजपा के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का सशक्त उम्मीदवार उतारने का बड़ा पीड़ा उठाया है। बातचीत के सूत्रधारों में एक ने भास्कर को बताया कि राज्य में भाजपा को मजबूत टक्कर देने के लिए बसपा को साथ लेना जरूरी है। बातचीत 80 में से 76 सीटों पर है, 4 सीटें गांधी परिवार के लिए है। विपक्षी खेमे को लगता है कि इस बार वरुण और मेनका गांधी की भाजपा की टिकट पर चुनाव मैदान में नहीं होंगे। ऐसे में रायबरेली, अमेठी के अलावा पीलीभीत और सुल्तानपुर पर भी सामूहिक फैसले लेने होंगे। बाकी सीटों को लेकर सपा के साथ कांग्रेस बातचीत चलाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।